अंधे के हाथ बटेर, अर्थ किसी को अचानक ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाना जिसका कभी सोचा ना हो। अंधेरे घर का उजाला, अर्थ घर का अकेला लाडला और सुंदर पुत्र। अंधेरे में रखना, अर्थ ठीक स्थिति न बताना। अंक में भरना, अर्थ गले लगाना। अंकुश लगाना, अर्थ नियंत्रण में करना। अंकुश होना, अर्थ काबू में रखना। अंग अंग मुस्काना, अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग खिल जाना, अर्थ बहुत खुश होना। अंग अंग ढीला होना, अर्थ थक जाना। अंग अंग फूले ना समाना, अर्थ बहुत खुशी होना। अंगारे उगलना, अर्थ कठोर वचन कहना। अंगारे वर्षाना, अर्थ कड़ी धूप होना। अंगारों पर पैर रखना, अर्थ साहसपूर्ण खतरे में उतरना। अंगूठा दिखाना, अर्थ है कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार करना। अंत भला तो सब भला, अर्थ यदि कार्य का अंत अच्छा हो जाए तो पूरा कार्य ही सफल हो जाता है। अंधा क्या चाहे दो आँखें, अर्थ है बिना प्रयास के इच्छित वस्तु की प्राप्ति। उदाहरण, गुरु जी ने राधा से जब यह कहा कि तुम मेरे विद्यालय में शिक्षिका पद ग्रहण कर लो, तो उसने कहा कि अंधा क्या चाहे दो आँख। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, अर्थ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अर्थ है परिश्रम कोई करे लाभ दूसरे उठाएं। उदाहरण, कंजूस पिता ने मेहनत से धन कमाया, अब निकम्मे पुत्र मजे कर रहे हैं, इसे कहते हैं अंधी पीसे कुत्ते खाएं। अंधे की लकड़ी होना, अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अर्थ है जहाँ कोई व्यवस्था या न्याय ना हो। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थ है अकेला मनुष्य किसी कठिन काम को नहीं कर सकता। अक्ल का अंधा, अर्थ है बेवकूफ होना। अक्ल का घास चरने जाना, अर्थ है समझ का अभाव। अक्ल का दुश्मन, अर्थ मूर्ख। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अर्थ है सोच विचार करना। अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना, अर्थ है मूर्खता प्रदर्शित करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है। अगर मगर करना, अर्थ बहाना बनाना टाल मटोल करना। अच्छे दिन आना, अर्थ भाग्य खुलना। अधजल गगरी झलकत जाए, अर्थ अधूरी योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा अपने को विद्वान सिद्ध करना। अंत पाना, भेद जानना। अन्न जल उठ जाना, दाना पानी उठाना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ देखना। अपना वही जो आवे काम, अर्थ है मुसीबत में काम आने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य ही महत्वपूर्ण होता है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपनी इज्जत अपने हाथ, अर्थ है दूसरों की इज्जत करने पर वे भी इज्जत करते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थ अपने ही कर्मों का फल मिलता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थ सबसे अलग रहना, साथ मिलकर न रहना। उदाहरण, राजपूत राजा सदा अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहे।